जिस गठबंधन की राजनीतिक गलियारों में एक अरसे से चर्चा थी, उस गठबंधन का आज ऐलान कर दिया गया। लोकसभा की 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी और इसका ऐलान आज मायावती ने कर दिया। जिस गठबंधन की राजनीतिक गलियारों में एक अरसे से चर्चा थी, उस गठबंधन का आज ऐलान कर दिया गया। लोकसभा की 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी और इसका ऐलान आज मायावती ने कर दिया। 2019 आम चुनाव में एसपी और बीएसपी 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दो सीटें यानी अमेठी और रायबरेली को उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है, तो वही बाकी दो सीटों को आरएलडी के लिए छोड़ा गया है। लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीएसपी 38-38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और दो लोकसभा की सीटें हमने अभी एक दो और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा दो और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा और बसपा का गठबंधन अस्थायी है और लंबे समय तक चलेगा। 2019 में नहीं, हम 2022 आम विधानसभा चुनाव में भी साथ रहेंगे, इसके बाद भी हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। इस बार बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आने से या विशेषकर उत्तर प्रदेश से ही रोका जा सके। और वैसे भी हमें ये पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने अर्थात बीएसपी व सपा ने मिलकर अभी तक यहाँ लोकसभा व विधानसभा के हुए सभी उपचुनावों में बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवारों को बुरी तरह से हराया है, तो फिर ये बीएसपी व सपा का बना गठबंधन देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी, खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवारों को अब किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। मायावती के बाद बोलते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने माहौल खराब करते हुए जमकर जातिवाद फैलाया है। बीजेपी ने यूपी को जाति प्रदेश बना दिया है। इलाज के लिए जख्मी से पहले उसकी जाति पूछी जा रही है। अन्याय और अत्याचार के कारण शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। भाजपा और भाजपा के नेता ये बात भी अच्छी तरह से समझ लें कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का अंत भी है। अब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के भाजपा के अत्याचारों का डटकर मुकाबला करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने मजबूत गठबंधन और मायावती का हर परिस्थिति में साथ देने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती का अपमान मेरा अपमान है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें दो कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने बराबर का एक दूसरे का सम्मान करने का काम किया है गठबंधन में। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है।
वहीं कांग्रेस से गठबंधन न होने के सवाल पर मायावती ने खुद ही कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई खास फर्क नहीं है। एक ने घोषित आपातकाल लगाया तो दूसरे ने अघोषित आपातकाल। अगर वह राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सबकी नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। अखिलेश और मायावती दोनों ने साथ आने के संकेत काफी पहले से देने शुरू कर दिए थे। इस जोड़ी का फॉर्मूला यूपी में हुए उपचुनाव में निकला, जहां लोकसभा चुनाव में डंके बजाने वाली बीजेपी को चारों खाने चित होना पड़ा। बीजेपी का गढ़ और योगी आदित्यनाथ का चुनावी क्षेत्र गोरखपुर बीजेपी के हाथ से निकल गया। इसके अलावा फूलपुर में भी मायावती के उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने से बीजेपी को एसपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। कैराना और नूरपुर की सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। इसीलिए सपा और बसपा दोनों को ये प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। नेशनल